हेलो नमस्कार दोस्तों, 24 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो आज एक आर्टिकल आया हुआ है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में, जिसके बारे में कुछ दो चार पॉइंट है वो आपको यहीं पर बता देता हूँ उसके बाद में, क्योंकि देखो उस आर्टिकल को हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली जब बजट में इस स्कीम के बारे में प्रावधान किया गया था तो, और वैसे भी हमने प्रीलिम्स के वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस है वो किया है। तो अभी कंटेक्स्ट में ये था कि नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम है उसको कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई इस स्कीम को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट है वो क्या थे। तो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में ये प्रावधान है कि इसमें मेनली 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ फैमिलीज को इंक्लूड किया जाएगा कि भाई उन फैमिलीज को क्या होगा कि अगर फ्यूचर में अगर उनको कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट किया जाता है तो उनको ट्रीटमेंट वगैरह वो 5 लाख तक का बीमा कवर है वो होगा। मतलब 5 लाख तक का वो ट्रीटमेंट है वो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो अपना बीमा वगैरह वो ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का द्वारा स्कीम लेके आ गई है, तो इससे लगभग हमारे देश में 50-60 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि आप नॉर्मल मान सकते हो कि हमारे देश में पर फैमिली में 4, 5 या 6 के आसपास लोग होते हैं। तो मतलब अगर 5 मेंबर हैं तो 50 करोड़ के आसपास, 6 हैं तो 60 करोड़ के आसपास लोगों को इससे बेनिफिट है वो होने वाला है। तो अभी मेन बात ये होती है कि आर्टिकल एक चीज़ ये बता रहा है कि देखो हेल्थ है ना वो स्टेट लिस्ट में आती है, ये आपको पता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हुआ और हेल्थ हुई, ये आती है स्टेट लिस्ट में। तो इसमें स्टेट को तो अपने साथ काम करना ही होगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है इसमें पॉलिसी वगैरह प्रॉपर ढंग से बनानी चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉलिसी अच्छे से बनाई और स्टेट गवर्नमेंट उनको ढंग से इंप्लीमेंट करेगी तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। तो यही बात आर्टिकल के द्वारा कही जा रही है कि भाई आपको इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है तो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह वो सब होनी चाहिए और जिन जरूरतमंद है उनको उनके फैसिलिटी का फायदा है वो होना चाहिए। देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ जाए वो है इंडिया और चाइना के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत का इशू है उसको लेकर, तिब्बत का इशू क्या है, मतलब तिब्बत के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में रहते हैं और उसकी वजह से चाइना काफ़ी बार इसका थोड़ा आरोप प्रत्यारोप का सीन होता है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। क्या क्योंकि देखो इंडिया को कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम तिब्बत कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से नेपाल है वो चाइना कार्ड यूज़ करता है इंडिया के खिलाफ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि भाई इंडिया है वो चाइना के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए तिब्बत कार्ड है उसका यूज़ कर सकता है, क्योंकि कई बार चाइना भी ऐसे मेथड का यूज़ है वो करता है। यहाँ पे देखो थोड़ा कंटेक्स्ट स्टार्टिंग में इस प्रकार डिस्कस किया जाता है कि 1959 की बात डिस्कस की जाती है कि 1959 में तिब्बत को ऑटोनोमी दिलाने के लिए दलाई लामा ने एक मूवमेंट है वो चलाई थी वहाँ पे, बट उसके बाद हुआ क्या, चाइना ने उसका काफ़ी विरोध किया और विरोध करने की वजह से काफ़ी मतलब नतीजे अच्छे नहीं रहे, काफ़ी एक तरह से प्रदर्शन वगैरह हुए, बहुत से लोगों की जानें भी गई थी। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि लास्ट में चाइना ने उसको पूरा दबा दिया और जो दलाई लामा थे वो भाग के इंडिया आ गए थे। इवन कुछ लोग और भी थे, कुछ तिब्बतीन लोग थे जो कि इंडिया में आके उन्होंने शरण है वो ले ली थी, और मैक्सिमम जो लोग हैं इंडिया में वो आते हैं हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला स्थल है उसके आसपास वाले एरिए में तिब्बत लोग हैं वो बस गए थे। अब हुआ क्या, इंडिया को कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम चाइना के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए क्यों, क्योंकि देखो कई बार चाइना इस चीज़ का मिसयूज़ करता है, तो इस हम इंडिया ने सोचा कि भाई हम तिब्बत कार्ड का यूज़ वो कर सकते हैं। बात ऐसी है कि दलाई लामा को आए हुए अभी 60 साल कंप्लीट होने को आए हैं, वो 1959 में आए थे और अभी 60 साल उनको हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है तिब्बतियन लोगों ने, थैंक यू इंडिया मूवमेंट, कि भाई इंडिया को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, तो थैंक यू इंडिया जो मूवमेंट चल रहा है इसके सपोर्ट में। एक्चुअली राइटर कुछ पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ने एक डिसीजन दिया है, आप थोड़े से ध्यान से सुनना। फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोला कि वो थैंक यू इंडिया जो मूवमेंट है इसमें एक्चुअली इंडिया को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर इंडिया ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो चाइना को ऐसा लगेगा कि यार हमारे खिलाफ मूवमेंट है वो हो रही है इंडिया में और इंडिया उनको एक तरीके से तवज्जो वो दे रहा है, मतलब इंडिया उनको हवा दे रहा है। बट राइटर का ऐसा कहना है कि फॉरेन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, इससे कोई भी अराजकता वो नहीं फैलने वाली। क्यों नहीं फैलने वाली, क्योंकि राइटर ये कहना है कि देखो वो केवल वो लोग धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको 60 साल यहाँ पे इंडिया में आए हुए हो गए और काफ़ी इंडिया ने उनकी हेल्प की, तो वो इंडिया को थैंक्स बोल रहे हैं, ना कि इंडिया कोई ऐसे माहौल को एक्चुअली जानबूझ के हवा नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए चाइना इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो वगैरह नहीं देगा और मतलब चाइना इसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखने वाला। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो इंडिया को पहले लगता था कि भाई इंडिया तिब्बत कार्ड का यूज़ कर सकता है, बट वो आज के टाइम पर राइटर कह रहा है कि मुमकिन नहीं है वो चीज़। क्यों नहीं मुमकिन है, क्योंकि देखो आज के टाइम पर देखा जाए तो 60 साल हो गए हैं उस मूवमेंट को मतलब स्टार्ट हुए, तो इस देखा जाए तो एक तरीके से वहाँ की जो तिब्बत की डेमोग्राफी वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगी है। चाइना ने वहाँ पर जो अपने दूसरे जो बहुल और भी एरिया है उनको एक्चुअली वहाँ पर रहने के लिए अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको एक्चुअली वहाँ से हटाया जाने लग गया। तो मेन बात ये भी है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसके साथ जो नई यूथ अब आ रही है उसको क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह नए डेवलपमेंट वगैरह से फायदा हो रहा है, तो वो एक्चुअली इन तरह की मूवमेंट को इतनी ज़्यादा वैल्यू वो नहीं दे रही है। तो मतलब बात यह है कि अभी जो तिब्बतन मूवमेंट थी या तिब्बत को ऑटोनोमी देने की बात थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो
इंडिया तिब्बत कार्ड का यूज करने की बात कर रहा था, वो आज के टाइम पे रिलेवेंट है, वो नहीं बैठता है। इसके बाद में बात की जाती है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की बात, कि देखो बात ऐसी है कि सिटी है वो अभी सोच रहा है कि हम तिब्बत चाइना के साथ बात करें और जो तिब्बत को ऑटोनोमी दिलाने की दिशा में कोई कदम हो वो उठाएं, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं सिटी है जो तिब्बत लोगों के एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, इनका ऐसा मानना है कि भाई हम तिब्बत चाइना से बात करें और तिब्बत को ऑटोनोमी दिलाने के लिए स्टेप कुछ उठाएं, तो ये सारी बात यहाँ पे आती है। इसके साथ ही राइटर एक चीज और यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो थैंक यू इंडिया मूवमेंट है उससे तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला, मतलब इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब नहीं होंगे, बट इंडिया में एक दूसरी मूवमेंट और चल रही है, वो है भारत जागरण यात्रा। अब ये भारत जागरण यात्रा क्या है? भारत जागरण यात्रा का सीन ऐसा है कि देखो कुछ तिब्बत के जो रेडिकल लोग हैं वो एक्चुअली इस यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं तिब्बत के भाई तिब्बत को स्वतंत्र करो, मतलब तिब्बत को आज़ाद करवाना है, जबकि राइटर कह रहे हैं कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना इस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि देखो ऑटोनॉमी देना एक अलग चीज़ है बट एक दूसरे कंट्री की मांग करना चाइना के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर इंडिया में भारत जागरण यात्रा जो कि तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए की जा रही है वो चीज़ कहीं ना कहीं अगर इंडिया में बढ़ रही है तो उस चीज़ से चाइना नाराज हो सकता है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। और हमें जो रेडिकल वाली चीज़ें हैं जैसे किसी भी धर्म में रेडिकल की जाते तो वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है। तो राइटर का ये कहना है कि जो यूनिफाइड मूवमेंट है और दलाई लामा की वो तो कोई बात नहीं है, बट अगर जैसे भारत में भारत जागरण यात्रा हो रही है जो कि तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए वो अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में देखते हैं आगे, देखो लास्ट में कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है। लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है पहले का टाइम था कुछ अलग, 1959 में सीन था अलग, आज हो गए हैं हालात अलग, आज की ग्राउंड सिचुएशन है वो तिब्बत की बिल्कुल बदल गई है पूरे तरीके से, और आज हमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिया में तिब्बतन लोग रहते हैं हमें उनसे कोई रेफरेंडम या किसी दूसरे तरीके से हमें एक बार उनसे कंफर्म करना चाहिए कि भाई वो लोग तिब्बत के लिए क्या चाहते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे रिलेशन है वो चाइना के साथ रखने चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि हाँ हमें ऑटोनॉमी चाहिए तो इंडिया को उस तरीके से स्टेप उठाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया अपनी मनमर्जी से कुछ करे। देखो बात की जाती है तिब्बत कार्ड की तो राइटर कह रहे हैं कि वो आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे तिब्बत का हाल है वो काफ़ी बदल चुका है, तो पहले वाली बात है वो अब नहीं रही है, तो इंडिया को इस तरीके से वहम में नहीं रहना चाहिए और इंडिया को सारी चीज़ें वो क्लियर रखनी चाहिए। इंडिया को ऐसा नहीं है कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खराब करने चाहिए, इंडिया को इस चीज़ में काफ़ी सोच समझ के आगे वो बढ़ना है, और इंडिया को तिब्बत के लिए प्रॉपर पॉलिसी वगैरह बना के फिर काम करना चाहिए। कुछ ऐसे रिफ्यूजीज भी हैं जो एक्चुअली जिनको चाइना ने एक सिटीजनशिप तो दी नहीं है और ना ही उनको इंडिया में सिटीजनशिप मिली है, तो राइटर कह रहे हैं कि उन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप है वो देनी चाहिए इंडिया को, क्योंकि उन लोगों को चाइना दे नहीं रहा और वो लोग काफ़ी टाइम से इंडिया में रह रहे हैं लगभग 50-60 साल से, तो इसलिए इंडिया का कुछ हक है जिम्मेदारी है वो बनती है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, जो पॉइंट हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, तो इस आर्टिकल के जो पॉइंट है उनको भी हम देख लेते हैं। बात यह है कंटेक्स्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं मैंने देखो इस आर्टिकल को, क्योंकि इस आर्टिकल में वही पॉइंट है जो हमने पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ट्रंप माशिया का सारा इश्यू हुआ है। ईरान न्यूक्लियर डील है क्या? ईरान न्यूक्लियर डील है कि भाई ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, इसके लिए ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है वो साइन की गई थी। किस किसने की थी? P5 कंट्री में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले तो US, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस, जो उनके पास वीटो पावर है वो होगी P5। इसके साथ एक कंट्री और है वो कौन सी है? वो है जर्मनी। तो ये 6 कंट्रियों ने मिलकर एक्चुअली ईरान न्यूक्लियर डील है वो साइन की थी कि भाई ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, इसके बाद ईरान पे सैंक्शन वो हटा दिए गए थे। अब देखो ईरान न्यूक्लियर डील में एक इंपॉर्टेंट प्रावधान ये है कि भाई ये जो न्यूक्लियर डील है ना इसको हर 3 महीने में US के जो राष्ट्रपति होते हैं ना उनके द्वारा इसे एक तरीके से आगे मतलब रेक्टिफाई करना होता है कि हाँ भाई आगे मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो वो काम क्या अभी है कौन? आपको पता है कि ट्रंप मास है और आपको पता है कि ट्रंप है उनको कुछ नहीं, वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग काम है वो आजकल कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि हर 90 दिन का टाइम होता है कि 90 दिन में आपको उसको एक तरीके से एक्सपेंड है वो मतलब आगे कंटिन्यू वो रखना है। तो अभी लगभग 12 अप्रैल तक तो ये कंटिन्यू है, इसके बाद वापस इसको अगर साइन करना होगा मतलब ट्रंप को वापस इसको आगे कंटिन्यू रखना होगा, अगर ट्रंप साइन नहीं करते हैं तो US की जो कांग्रेस है वो इस पर सेंक्शन लगा सकती है, मतलब इस पर ईरान पर सेंक्शन लगा सकती है कि वापस जैसे पहले की तरह, तो मतलब माहौल है वो अच्छा नहीं रह पाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है UN की, उसके अकॉर्डिंग बात ऐसी है, उसने ऐसा कहा कि भाई ईरान है वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, मतलब ईरान ने जो न्यूक्लियर डील की गई थी जो उसमें प्रावधान किए गए थे वो न्यूक्लियर डील पे ईरान कंटिन्यू रह रहा है, उसमें उसके उसने कोई भी गलत काम की नहीं किया और ना ही उसने कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की है। तो ईरान पर किस बात की सेंक्शन लगाया जाए और किस बात की बातचीत हो की जाए? तो मतलब बात ऐसी है कि जो IAEA है वो नहीं चाहता है कि ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाया जाए क्योंकि ईरान ने किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया है, जबकि P5 कंट्रीज में देखा जाए तो UK भी नहीं चाहता है, ना रशिया चाहता है और ना ही चाइना चाहता है, ना ही फ्रांस चाहता है और ना ही जर्मनी, मतलब एक US ही चाहता है कि भाई ईरान के ऊपर वापस सेंक्शन लगा दिए जाएँ। अब देखो आपको एक चीज़ बता दूँ कि US क्यों चाहता है कि भाई ईरान पर सेंक्शन लगा दिए जाएँ। बात ऐसी है
कि आप मिडिल ईस्ट के मैप में आप देख भी सकते हैं, काफ़ी बार हमने देखा भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान है उसकी ना तो सऊदी अरब से बनती है और ना ही उसकी बनती है इसराइल से। और आपको पता है कि सऊदी अरब और इसराइल है दोनों ही यूएसए के क्लोज दोस्त हैं, तो इसलिए यूएसए है वो चाहता है कि इसराइल और सऊदी अरब की जो कंडीशन है उनकी बात उनको भी फुलफिल किया जाए। मतलब मेन बात यह कि ईरान की रिलेशन इसराइल और सऊदी अरब के साथ अच्छे नहीं है और इसराइल और सऊदी अरब के रिलेशन है वो यूएस के साथ अच्छे हैं, तो इसराइल और सऊदी अरब यूएसए के सपोर्ट से ईरान पर सेंक्शन लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो इसराइल और सऊदी अरब है ये नहीं चाहते कि ईरान है वो इस वाले एरिया में अपने आप को असर्ट करें या अपनी पावर को बढ़ाए। जबकि बात ऐसी है कि देखो ईरान है वो लगातार अपने आप को असर्ट कर रहा है और ईरान है वो लगातार अपने एरिया में एक रीजनल पावर हो बनते हुए जा रहा है, तो ईरान की अपने आप एक अपने एरिया में अगर रीजनल पावर बन रहा है तो वो बात कहीं ना कहीं इसराइल को भी अच्छी नहीं लग रही है और ना ही सऊदी अरब को अच्छी लग रही है, और इसीलिए यूएस सारे ऐसे काम है वो कर रहा है। अब देखो राइटर ये कहने की बात ऐसी है कि अगर यूएस सोच रहा है, ट्रंप ऐसे सोच रहे हैं कि भाई लड़ाई करके हम ये काम कर लेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान है वो छोटी मोटी कंट्री नहीं है कि आप उसको बस जैसे इराक की तरह सीन नहीं है कि उसको आपको दो तीन बम बम उड़ाए उसको उड़ा दिया, ऐसा सीन नहीं है। ईरान के पास भी बहुत पावर है और अगर ईरान चाहता है तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, बस बात यह है कि ईरान अभी न्यूक्लियर डील पे कंटिन्यू बना हुआ है, तो यूएस को इस तरीके के अंदर जो स्टेप है वो नहीं उठाने चाहिए, ये कहीं ना कहीं यूएस को एक तरीके से आइसोलेट कर देंगी। क्यों आइसोलेट कर देंगी? क्योंकि तो जो P5 और 1 जो कंट्रीज है उसमें केवल यूएसए ही सेंक्शन लगाना चाहता है ईरान पे, बाकी और कोई भी कंट्री सेंक्शन नहीं लगाना चाहती। क्यों नहीं लगाना चाहती? क्योंकि देखो जो ईरान न्यूक्लियर डील का जो कोई भी उल्लंघन नहीं किया है ईरान ने, तो क्यों इस पर सेंक्शन लगाए जाए? जब कोई गलती करेगा तभी तो सेंक्शन लगाने चाहिए, वो कुछ उस गलती ही नहीं करा तो सेंक्शन किस बात के लगेंगे? तो उसी बात की जो 5 कंट्री हैं बाकी वो कह रहे हैं कि भैया हम सेंक्शन मत लगाओ क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, बट यूएसए कह रहे हैं नहीं सेंक्शन लगाएंगे। तो राइटर कह रहे हैं कि इस बात से यूएसए वो अकेला आइसोलेट हो जाएगा और अलग थलग रह जाएगा और यूएसए की वैल्यू वो कहीं ना कहीं डाउन है वो हो जाएगी। मतलब बात ऐसी है कि ट्रंप इस वाले एरिया में, मिडिल ईस्ट वाले एरिया में इन तरीके से जो शांति है उसको स्थापित करने की बजाय अशांति को और फैला रहे हैं और जो यहाँ पे माहौल है वो और ज़्यादा खराब हो कर रहे हैं। और बात ऐसी है कि ईरान को भी इतने हल्के में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर यूएसए ने न्यूक्लियर डील को कैंसिल किया या रेक्टिफाई नहीं किया तो फिर ईरान भी इस डील से पीछे हट जाएगा, और फिर ईरान ने वापस अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया तो फिर वापस पूरे विश्व में संकट है, वो मतलब मिडिल ईस्ट वाले एरिया में इस बादल है गहराई है वो बढ़ जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं है, ना ही मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी है और ना ही यूएसए के लिए अच्छी है और ना ही बाकी और कंट्रीज के लिए अच्छी है। तो ये थे इस आर्टिकल के जो कुछ पॉइंट्स मैन जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वैसे हमने रिवाइज किया क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कुछ नया पॉइंट है वो आया नहीं है, पहले भी यूएसए ने कहा था कि मैं इसको डील को अगर कंटिन्यू वगैरह नहीं रखूंगा। अब देखते हैं आगे, हाँ आर्टिकल सॉरी इतने थे मैं जो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में डिस्कस किया कि भाई तिब्बत को जो कार्ड की बात की जा रही है वो आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम पे तिब्बत का सारा माहौल वो बदल गया है और लोग हैं वो भी आजकल काफ़ी वहाँ पे तिब्बत वाले एरिया में डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो लोग भी डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को धीरे धीरे इसकी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। तो मेन बात ये है कि इंडिया को भी इंडिया में जो तिब्बतन लोग रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए और जो तिब्बत पॉलिसी वो इंडिया को बना के आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू रखनी चाहिए। इसके बाद में बात आती है ईरान न्यूक्लियर डील की, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ईरान न्यूक्लियर डील में 6 कंट्रीज हैं, P5 कौन कौन सी हैं जिनके पास वीटो पावर है, 1 कंट्री कौन सी चट्टी वो है जर्मनी। अब ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि नहीं बस डील को कैंसिल है वो कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ये डील है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्यों? उनका अपना पर्सनल रीजन बताया जा रहा है, बट मेन रीजन उनका यही है कि भाई इसराइल और सऊदी अरब में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इनडायरेक्टली इसकी वजह से सारा काम है वो हो रहा है। अब देखो बात ऐसी कि इस वाले एरिया में लड़ाई तो पॉसिबल है नहीं ईरान के साथ, तो इसलिए माहौल और ज़्यादा खराब हो सकता है और ट्रंप को सिचुएशन को समझ के आगे स्टेप उठाने चाहिए। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।